दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख कि जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ बदले तो पहले आपको खुद को ही बदलना होगा। और मजे की बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी हालात बदले, कोई ये नहीं चाहता कि उसकी हालात नहीं बदले। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे कोई भी चीज़ कंप्रोमाइज़ करना पड़े। हर इंसान चाहता है कि अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वह उसे उसी वक्त खरीद पाए। कोई इंसान ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे गरीबी में रहना पड़े। हर इंसान अपने हालात को बदलना चाहता है, तो फिर क्यों खुद को नहीं बदलते? क्योंकि या तो वो अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं या फिर कोई परेशानी आती है तो वो रुक जाते हैं। एक शार्क मछली अगर तैरना बंद कर दे तो वह वहीं मर जाती है। इंसानों में भी वैसा ही होता है, बस वह मरते नहीं लेकिन जिंदा लाश बन जाते हैं। तो यदि आप भी रुक गए हो या आपकी ज़िंदगी या आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो समझ लो कि आप भी जिंदा लाश हो। जिस तरह हर इंसान चाहता है कि उसकी हालात बदले, लेकिन उसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसे दर्द ना मिले, लेकिन ज़िंदगी के खेल में तो दर्द सहना ही होगा। कभी कभी हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुरानी आदतें और अपना कंफर्ट जोन सब त्यागना पड़ता है। और लाइफ में बहुत बड़ी मुकाम हासिल करने के लिए कभी कभी दर्दनाक प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। यदि कोई इंसान सच में कुछ बड़ा करना चाहता तो बड़े से बड़े तूफान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उससे लड़ने के लिए ताकत आ जाती है और प्रकृति भी उसकी मदद करता है। ज़िंदगी में बहुत से योद्धा हुए हैं जिन्होंने दर्द सहकर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस तुम्हें भी दर्द सहना होगा, और अगर तुम तैयार हो दर्द सहने के लिए तो समझ लो तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता और तुम यह कर सकते हो। जय हिंद।